भाजपा द्वारा 25 जून पूरे देश भर में सभी और काला दिन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर यवतमाल के आनी बानी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उनके निवास स्थान जाकर पुष्प गुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने उनका सम्मान किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में देश पर आनी बानी लादी और इस कालावधि में दमनकारी नीति का अवलंब कर लोगों का स्वातंत्र छीना। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कारागृह में डाला गया, अत्याचार किए। इसके खिलाफ भाजपा द्वारा हर वर्ष यह दिन पूरे देश भर में सभी और काला दिन के तौर पर मनाया जाता है। 25 जून 2021 को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने चंद्रपुर व यवतमाल जिले के आनी बानी के खिलाफ लड़ा देकर सत्याग्रह का अवलंब कर कारागृह में शिक्षा भोग रहे लोकतंत्र सेनानी का उनके निवास स्थान जाकर पुष्प गुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर सम्मान किया और ज्येष्ठ मान्यवरों का आशीर्वाद लिया। आनी बानी के खिलाफ लोकशाही के रक्षण के लिए निर्भयता से आगे आते तत्कालीन सरकार के दड़पशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा नेता पूर्व मंत्री शोभा फडणवीस, भद्रावती के मनोहर राव पारदे, बड़वंत राव गुंडावार, विवेक सरपटवार, वरोरा के बाबा भागड़े, चंद्रपुर के बंडू पदलमवार, गिरीश अने और वनी के मोहम्मद रफीक रंगरेज इनका सम्मान किया। इसमें हंसराज अहीर ने सभी मान्यवरों का आनी बानी के काल का योगदान अभूतपूर्व होकर विद्यमान और भावी पीढ़ी को संघर्ष की पहचान करा देने के लिए इस लोकतंत्र सेनानी का सम्मान करते आनंद और गर्व महसूस हो रहा है, ऐसे शब्दों में अपनी भावना व्यक्त की। इस सत्कार अवसर पर वनी के विधायक संजीव रेड्डी बुध गुरुवार, वनी के नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे, विजय राउत, खुशाल बोंडे, राजू घरोटे, गजानन विधाते, किशोर बावने, पंचायत समिति मूल सभापति चंदू मार्गुनवर, प्रशांत समर्थ, महेंद्र खरकाड़े, प्रशांत लाडवे, प्रशांत बोबांटे, ओम मांडवकर, सुरेश महाजन इनकी उपस्थिति थी।